हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कुछ और डिटेल में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 29, और अगर मैं रिकॉल करूं लेक्चर नंबर 28 को, तो मैंने आपको जो पिछला वीडियो था जो फंक्शन पर मैंने बनाया था, उसमें प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड का डिफरेंस बताया था। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में आपको और कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, और इसमें हम रिटर्न टाइप के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज आर माई डिटेल्स। सो जो भी डाउट्स हैं वो रेक्टिफाई करिए, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमें पहली प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करनी है वो है रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो ये हम ऑलरेडी जब हमने लूप डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था, हम उसी प्रोग्राम को अब एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पुराने जो कोड थे उनको ही रीअरेंज कर रहे हैं। तो फंक्शन से पहले तक जितने भी कोड्स आपने इम्प्लीमेंट किए, वहां पर आपने सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। बट अब हम मेन को 2, 3, 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 28 में बताया था कि हम सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको 5 फंक्शन बनाकर बताए थे। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने डिफरेंट लॉजिक्स हैं, उतने फंक्शन आप बना सकते हो। तो फंक्शंस के अंदर आपको पुराने प्रोग्राम्स को ही रीअरेंज करना है, ताकि जो लॉजिक है वो मेन के अंदर ना लिख के एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर हम लिखें, और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है हम उसको कॉल करें। तो अब देखते हैं कि रिवर्स ऑफ अ नंबर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपने कंपाइलर पे चलते हैं। तो ये देखो, ये वो प्रोग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें हमने 5 अलग अलग फंक्शन बनाए थे और मेन को सेपरेटली डिफाइन किया था। तो अब इसी को मॉडिफाई कर देंगे। तो अब हमें करना है रिवर्स और नंबर यूजिंग फंक्शन, मतलब रिवर्स मेन फंक्शन में ना होकर एक अलग फंक्शन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो मैंने लिखा इंट रिवर्स इंट, एंड फिर मेन फंक्शन, ठीक है। और मेन फिनिश होने के बाद हमें ये जो रिवर्स फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बनेगा। मेन के अंदर यूजर से इनपुट आएगा, यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, और ये जो रिवर्स फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। फंक्शन कैसे कॉल होता है वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें हम फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। एंड ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम 2 फंक्शन बना रहे हैं, एक मेन और एक रिवर्स, ठीक है। मेन भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और रिवर्स भी यूजर डिफाइंड है, बट मेन के लिए आपको मेन वर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम मेन है वो होना जरूरी है। अब यहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यूजर से हमने पूछा एंटर अ नंबर, तो यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसको स्कैन किया, %d %n, तो n वेरिएबल में एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ n, तो इसको हम बोलेंगे कॉलिंग ऑफ फंक्शन। मैंने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया। तो आप देख सकते हो मेन फंक्शन के अंदर कहीं पर भी आपको लॉजिक नहीं मिलेगा कि रिवर्स कैसे हो रहा है। तो जो रिजल्ट है वो आर वेरिएबल में आएगा, तो उसको अपन डिस्प्ले करवा देते हैं। तो रिवर्स इक्वल्स टू %d और r। तो ये अपना मेन फंक्शन खत्म हुआ। तो इसमें 2 ही वेरिएबल यूज किए, n और r। n में वो नंबर था जिसका रिवर्स निकालना है, और r वेरिएबल में वो रिवर्स कैलकुलेट होकर आएगा, किसके थ्रू, रिवर्स फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब रिवर्स कैसे होगा वो लॉजिक आपको यहाँ पर डिफाइन कर, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर हमने लिखा है, दिस इज डिक्लेरेशन। ये जो लाइन नंबर 9 है ये फंक्शन की कॉलिंग है, और ये जो ब्लॉक हम लिखने वाले हैं इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। यहां पर हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो लॉजिक के लिए मैंने ये वेरिएबल्स बना दिए, फिर एक व्हाइल लूप लिखा कि जब तक n 0 से ग्रेटर है तब तक ये रिपीट होगा। तो ये रिवर्स का लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको, जब मैंने आपको व्हाइल लूप का वीडियो एक्सप्लेन किया था तब मैंने बता दिया था।
तो अगर आप पूरी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि रिवर्स कैसे होता है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो सीरीज के अंदर जो व्हाइल लूप वाला वीडियो उसको जरूर से देखिएगा, तो उसमें ये लॉजिक मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें हमने क्या किया था, एन को 10 से मॉड किया था लास्ट डिजिट निकालने के लिए, फिर हमने एस इंटू 10 प्लस ए कैलकुलेट किया था, और फिर एन इक्वल्स टू एन बाई 10। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से रिवर्स कैलकुलेट होगा जो कि एस वेरिएबल में आ जाएगा। अब एस में जो वैल्यू जनरेट हुई उसको मेन में पहुंचाना है तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो भी वैल्यू इस फंक्शन में हमने कैलकुलेट किया है उसको वापस भेज देगा जहां पे भी हमने फंक्शन कॉल किया था। तो कॉल किया रिवर्स को, तो एन बन जाएगा इनपुट, तो एन इस एन वेरिएबल में आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन हुई, रिटर्न एस क्या करेगा, एस अपनी वैल्यू थ्रो करेगा और उसको कैच कौन कर लेगा, आर वेरिएबल। वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग फंक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर आर लिखा और नीचे हमने एस को रिटर्न किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस अपनी वैल्यू आर वेरिएबल में कॉपी करवा दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिवर्स का लॉजिक लिखा। तो आप देख सकते हो मैंने दो फंक्शन बनाए, एक मेन और दूसरा रिवर्स। अब अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पर मुझे एक नंबर इनपुट करना है और उसका रिवर्स देखो 321 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, हमने मेन फंक्शन से लॉजिक को एक्सट्रैक्ट किया और एक नया फंक्शन बनाकर उसको यूज कर लिया। अब हमें अगला प्रोग्राम बनाना है पैलिंड्रोम चेक। तो पैलिंड्रोम आप सबको मालूम होगा कि जब हम कोई भी नंबर रिवर्स करते हैं और उसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है तो वो नंबर कहलाता है पैलिंड्रोम नंबर। इट मींस हमें रिवर्स करना ही है, तो आप इसी प्रोग्राम को रिवर्स सॉरी पैलिंड्रोम चेक के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने रिवर्स प्रिंट करवाया था, आप यहां पर लिख दीजिए इफ एन डबल इक्वल्स टू आर। तो n में वो ओरिजिनल नंबर था और r में उसका रिवर्स आ गया, अगर दोनों इक्वल है तो हम यहाँ क्या प्रिंट करा सकते हैं, पैलिंड्रोम, एल्स हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये देखो मेन फंक्शन के अंदर हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया। अब रिटर्न करना क्यों बेनिफिशियल होता है वो आप आपको समझ में आएगा कि रिवर्स फंक्शन की जो रिटर्न्ड वैल्यू थी वो आर वेरिएबल में है जिसको हमने फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिया। तो अगर हम एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करके दूसरे फंक्शन में यूज करना चाहें तो वो चीज पॉसिबल है, वो आपने अभी देखा। तो मैंने एन और आर को कंपेयर किया, अगर इक्वल होंगे तो पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो अपन इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, मैंने डाला 131, तो देखो प्रिंट हुआ पैलिंड्रोम। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार मैं डाल रहा हूँ 123, तो ये प्रिंट कर रहा है नॉट पैलिंड्रोम। तो दोनों केसेस के अंदर ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत फंक्शन को पहले से पढ़ रखा हो या नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कुछ फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप है वो मिलेगा आपको वॉइड। तो void अगर return type यूज करते हैं इट मीन्स आप उस फंक्शन में return keyword यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका return type आपने क्या लिख दिया है, void। इट मीन्स फंक्शन में एक argument receive तो हो सकता है बट calculation के बाद वो return keyword यूज नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आप ये जो लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पर इसको कट करना पड़ेगा और ये लॉजिक हमें यहीं पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यहां से ये चीज हटा दें। ठीक है, तो हमने सिर्फ रिवर्स फंक्शन को कॉल किया, रिवर्स में एन वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दिया, तो यहां से जो डेफिनेशन है वो एन को प्रोसेस करेगा, रिजल्ट कंपेयर होगा और उसके अकॉर्डिंग पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। इट मींस रिवर्स फंक्शन कैलकुलेशन के बाद कुछ भी मेन फंक्शन को रिटर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न टाइप क्या यूज किया हुआ है, वॉइड। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो रिटर्न टाइप क्या यूज करना पड़ेगा, void। तो अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको रिटर्न करवाना है या नहीं करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपको रिटर्न टाइप एज void ही यूज करना पड़ेगा। तो वो मैं अपने अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा जब आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके बताऊंगा। उससे पहले ये लाइन पढ़ते हैं, when to use int float char
एज रिटर्न टाइप एंड वेन टू यूज वॉइड. तो इंट अपन ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इंट की जगह फ्लोट भी यूज कर सकते हैं इजिली, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैलकुलेशन क्या है. तो इंट फ्लोट कैर का यूज सेम है, जो भी रिटर्न टाइप आपने यूज किया उस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं. बट वॉइड कब यूज करेंगे, जब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी. ठीक है, तो अब आप कहोगे कि एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल बताओ कि जहां पर वैल्यू हम चाहकर भी रिटर्न नहीं करवाएंगे और हमें वॉइड ही एज अ रिटर्न टाइप यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा फिबोनाची सीरीज का. तो जब कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करता है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकता है. बट आपका जो फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यू जनरेट करेगा, तो उस केस में फोर्सफुली आपको रिटर्न टाइप क्या यूज करना होगा, वॉइड. ठीक है, तो मैंने आपको एक ये एग्जांपल कन्वर्ट करके बताया था कि इंट यूज करें या वॉइड यूज करें वो ऑप्शनल है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप चाहकर भी इंट यूज नहीं कर सकते, आपको रिटर्न टाइप वॉइड यूज करना पड़ेगा. तो वो है फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन. तब देखो रिटर्न टाइप वॉइड है, नेम ऑफ फंक्शन फिबोनाची, और एक इंट पास करना है जो बताएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें सीरीज के प्रिंट करवाने हैं. तो एक नंबर यूजर से रीड किया, फंक्शन हो गया फिबोनाची. ये हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये फंक्शन बनाया. अब यहाँ पर हमें वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे, तो मैंने लिखा int i t equals to 0, t1 equals to 1, t2 equals to 0. तो तीन वेरिएबल हैं, टर्म टर्म वन एंड टर्म टू. तो t को 0 से इनिशियलाइज किया, t1 1 है और t2 0. अब यहाँ पर एक लूप इंप्लीमेंट करते हैं जो कि n टाइम्स रिपीट हो जाएगा. तो वो लूप i पर डिपेंडेंट है, और इस लूप के अंदर हम फिबोनाची सीरीज का लॉजिक लिखेंगे. अब फिबोनाची सीरीज है तो हमें एक ही बार में बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो हमें t को हर बार प्रिंट कराना है. देन t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 होगा, उसके बाद t1 इक्वल्स टू t2 एंड t2 इक्वल्स टू t. ठीक है, तो अब इसमें देखो सीरीज में होता क्या है कि आपको बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट करानी होती है, और जो रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं वो एक बार में एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है. तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप जो फंक्शन बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आप लिख रहे हैं, अगर वो मल्टीपल वैल्यूज जनरेट करता है तो आप रिटर्न मत करवाओ, आप वैल्यू उसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं. तो उस केस में आपको फोर्सफुली रिटर्न टाइप क्या यूज करना पड़ेगा, वॉइड. सो ये फिबोनाची सीरीज का फंक्शन हो गया. तो कोई भी सीरीज या पैटर्न प्रिंट करना है तो आपको कुछ इसी तरह का फॉर्मेट यूज करना है. मेन फंक्शन में इतने ही स्टेटमेंट होंगे, फंक्शन का नाम आप जरूर से चेंज कर सकते हैं और लॉजिक आप इस डेफिनेशन में चेंज कर सकते हैं. तो अब अगर इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रॉपरली रन होगा. यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, कॉमा नहीं लगाया. तो अब मैंने इनपुट किया 10, तो आप देख सकते हो 10 टाइम्स जो फिबोनाची सीरीज के नंबर से वो प्रिंट हुए, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. ठीक है, तो प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहा है. तो मैंने आपको बताया कि हम सीरीज बनाने के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो आई होप कि अब आपको रिटर्न टाइप क्या यूज करना है वो समझ में आ गया होगा. तो आप सिंपल सा फंडा यूज करोगे कि जब हम एक वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं और वो इंट फ्लोट या कैर किसी भी टाइप की हो, तो रिटर्न टाइप वही डेटा टाइप हो जाएगा. बट अगर हम एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और जो रिजल्ट्स हैं वो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया मेन के अलावा उसी में हमें प्रिंट कराना होता है. ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस. तो पहले देखेंगे कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉल बाय एड्रेस में. तो इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल लूंगा वो होगा स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. Swapping of variables using call by value. ठीक है, तो return type void होगा क्योंकि swapping में दो variables होंगे, दोनों को interchange करना है, तो हमें दो values को ही return कराना पड़ेगा जो कि possible नहीं है. तो input हो जाएंगे दो, int comma int, दो numbers हम user से read करा लेते हैं.
तो यहाँ मैंने लिखा एंटर टू नंबर्स, या फिर यूजर से रीड ना कराकर मैं उसमें खुद ही वैल्यू असाइन कर देता हूँ। आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फंक्शन का नेम हो जाएगा स्वैप और आपको दो वैल्यूज पास करनी है, ए कॉमा बी। ठीक है, तो स्वैपिंग हुई, यहाँ पर भी स्वैप लिखा, इसको मैंने लिखा int a comma int b, then एक और वेरिएबल बनाया c, then c equals to a equals to b and b equals to c। ठीक है, ये स्वैपिंग का सिंपल सा लॉजिक है जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। एंड हमने a और b को एज एन इनपुट यहाँ पास किया, तो उनको a और b वेरिएबल में रिसीव कर लिया और यहाँ इंटरचेंज करा दिया। ठीक है, अब देखो जो ऊपर से a और b मैंने पास किए वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने इंटरचेंज किया, तो अब मैं दोनों a और b दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो मुझे दोनों को रिटर्न कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे रिजल्ट यही प्रिंट करना होगा, a equals to percent d and b equals to percent d and a comma b। ठीक है, तो दो वैल्यूज a और b की जो स्वैपिंग के बाद इस फंक्शन में प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं a और b को यहाँ स्वैपिंग के बाद भी प्रिंट कराता हूं, तो मैंने यहाँ लिखा इन मेन a equals to percent d, b equals to percent d, a comma b। तो आप देखोगे कि ये जो नीचे हम a और b प्रिंट करा रहे हैं वो तो स्वैप होकर प्रिंट हो जाएंगे, बट जो मेन फंक्शन में मैंने a और b प्रिंट कराए कॉलिंग के बाद वो एज इट इज रहेंगे। तो पहले इसको रन करते हैं फिर इसका रीजन बताता हूं। देखो जो फर्स्ट a और b प्रिंट हो रहे हैं वो तो 10 और 5 है, तो अपना a था 5, b था 10, तो प्रिंट हो रहा है a 10 b 5, बट मेन फंक्शन में अभी भी रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है 5 10। तो हुआ क्या कि ये जो ऊपर हमने int a b लिखा है इनको अलग से मेमोरी मिलती है और जो a b यहाँ पर यूज किया इनको अलग से मेमोरी मिलती है। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो a और b अपनी वैल्यू इन दोनों को प्रोवाइड कर देंगे, तो हमने स्वैपिंग की है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को स्वैप किया तो वो यहाँ तो प्रिंट हो जाएंगे बट इसका इफेक्ट जो ये वेरिएबल्स हैं एक्चुअली जो मेन में बनाए गए हैं उन पर नहीं पड़ता। ये कॉल बाय वैल्यू का ड्रॉबैक है कि अगर एक फंक्शन में कोई वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है तो वो दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई नहीं करता। तो या तो आप वैल्यू रिटर्न करवाओ या फिर उसको यहीं प्रिंट करा दो। तो अब इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो इसको कमेंट बना दीजिए तो आपको इंटरचेंज्ड वैल्यू मिल जाएगी। बट आप चाहते हैं कि मेन में जो वेरिएबल्स हैं वो भी स्वैप हों और जो नीचे डेफिनेशन लिखा है वो भी स्वैप हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ेगा कॉल बाय एड्रेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल्स हम यहाँ से पास कर रहे हैं जो कि एक्चुअली मेन में बनाए गए हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज ना पास करके इनके एड्रेसेस पास करेंगे और इनको रिसीव करने के लिए पॉइंटर बना देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं एम्परसेंट ए और एम्परसेंट बी, और ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इंट एस्टरिस्क क्योंकि यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं पॉइंटर्स। तो ए का एड्रेस पी पॉइंटर में आ जाएगा, बी का एड्रेस क्यू पॉइंटर में आ जाएगा। अब पॉइंटर कैसे काम करता है वो मैं ऑलरेडी अपने पॉइंटर वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को असाइन किया तो हम पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एस्टरिस्क पी तो ये ए की वैल्यू को प्रोसेस करेगा और एस्टरिस्क क्यू बी की वैल्यू को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो मैं डेफिनेशन में कुछ भी प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ मेन फंक्शन के ए और बी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और आप देखोगे कि ए और बी इंटरचेंज्ड वैल्यूज को प्रिंट करेंगे क्योंकि अब हमने कॉल बाय एड्रेस यूज किया जो कि पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। ये देखो इन मेन ए 10 बी 5, जबकि ए था 5 और बी था 10, तो इट मींस अगर आपको वैल्यू रिटर्न भी नहीं करानी है और जो एक्चुअली मेन में वेरिएबल्स हैं उनको चेंज भी करना है तो आप कॉल बाय एड्रेस को इंप्लीमेंट कर सकते। तब आपके पास में तीन तरह के वेरिएशन हो गए। पहला कि अगर एक सिंगल वैल्यू जनरेट होती है तो आप फंक्शन से रिटर्न कीवर्ड यूज करके उसको मेन में पहुंचा सकते हैं। दूसरा, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको डेफिनेशन में ही प्रिंट करा दो। और तीसरा कि एक से ज्यादा वैल्यूज है बट फिर भी उसको मेन फंक्शन में रिटर्न करना है तो आप कॉल बाय एड्रेस को यूज कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
और अब आप फंक्शन को और अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन सारे प्रोग्राम्स को अपने लैपटॉप में इंप्लीमेंट करो, इनके अलावा भी कोई और प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एरे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करें, तो आप उससे भी फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये टोटल 3 वीडियोज हैं, लेक्चर नंबर 28 जिसमें मैंने फंक्शन का बेसिक कवर किया, लेक्चर नंबर 29 जो मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया, और लेक्चर नंबर 30 जिसमें थोड़ा और एडवांस हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन को और अदर फीचर्स के साथ यूज करेंगे। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की फंक्शन के बारे में वो समझ में आ गई होंगी। और आप पूरी वीडियो सीरीज को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।